हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे रात के 9 और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी क्लास को, जहाँ पर हम करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चले, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। आपको मैंने जैन धर्म से करवाया था और आज मैं बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से भी आपको करवा दे रही, बाकी बचा सिख धर्म उसे भी करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी कल की, उसमें मैं आपको वो भी करवा दूंगी। तो आपके मेजर मेरे बड़े बड़े टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर कल की तरह ही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको ही करेंगे। आई होप सो बढ़िया रहेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आप जुड़े शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी को टाइम पर आने का प्रयास करना है, पढ़ना है, देखना है, एंजॉय करना है, रिवीजन करना अच्छे से। अच्छा, कोई दिक्कत होती है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं मैं अक्सर दे ही देती हूँ फिलहाल के लिए। कुछ दिनों तक एक दो चीज़ें हैं तो भी फिर लेकिन जल्दी सेंड कर दूंगी, तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर कोई दिक्कत है तब भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप बताएंगे तो आपको सोल्यूशन जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक भी कर दिए, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और छोटे छोटे लाइक्स जो होते हैं, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो छोटे छोटे लाइक जो है जब देखती हूँ लास्ट में, तो हाँ आपके कमेंट्स दिखते हैं। मैं अक्सर रात में जो खाली होती हूँ तो एक बार देख लेती हूँ कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, बच्चों ने क्या पूछा या क्या कहा है वो, और एक लाइक, तो वो एक छोटी सी स्माइल ला देता है मेरे फेस पे कि नहीं चलो अच्छा है, बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, आई होप सो बढ़िया है। चलें आगे, आ जाइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन वन है महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? आंसर करिए किसका कितना सही होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? चलिए बताइए, आंसर करिए बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, हमारा सही है, हम हमेशा सही रहते हैं, वो है डी। ठीक है, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। आगे बढ़िए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 564, 565, 563। आंसर बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आंसर करिए, आंसर बताइए क्या होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मैंने सब पढ़ाया है, सारी चीजें पढ़ाई है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन है 563। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक, नानक देव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? आंसर करिए बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। मैं वक्त बहुत नहीं दे पाऊंगी आपके लिए, लेकिन कोशिश ये है कि मैं जितना भी करवाऊँ बेस्ट करवाऊँ, बेस्ट से बेस्ट करवाऊँ। ठीक है, चलो बता दो फ्रेंड्स क्या होगा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो राइट आंसर मालूम है हमें, गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बताइए कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, कहाँ हुआ? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहाँ पर हुए थे? आंसर करिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, आंसर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, आपने पढ़ा है तो मुझे उम्मीद तो है कि आप रिस्पॉन्स करेंगे बढ़िया। चलिए बताइए, टाइम पर आया करिए आप लोग, थोड़ा बीच बीच बहुत लेट आते हैं, क्लास ओवर हो जाती है तो आते, वैसे भी छोटी क्लास उस पर लेट पहुँचना, लेट आने वाले को प्रसाद नहीं मिलता सही से, क्यों मालूम है ना। चलिए करिए, बताइए क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेपाल में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? शांति देव को, बुद्ध पतला को, पलिता को, गौतम बुद्ध को, नागार्जुन को। बताइए, गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, कभी कोई गांव का नाम पूछ लेता है। ठीक है, अपना मत लिख के आ जाना वहाँ पर कि हाँ आप रहते हो। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं? फिफ्थ का आंसर बताइए किसे कहते हैं, जल्दी से फटाफट, ईच एंड एवरीवन, सभी को। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर सीखेंगे, फिर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर गौतम बुद्ध का, सी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? त्रिशला, राधा, यशोदा, महामाया। आंसर करिए गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, इनकी मम्मा जो थी उनका नाम क्या था, बताइए।
गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये आपको राइट आंसर मालूम होना चाहिए, गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या है? ज्ञाता, ज्ञान, समृद्धि, गुणवान। बुद्ध का मतलब क्या है? जो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म के बारे में आपने इतना सुना है, आखिर ये है क्या? ज्ञाता, ज्ञान, समृद्ध, गुणवान, आंसर करिए। अच्छा प्रश्न है, बताइए बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है? एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, उचित है, परफेक्ट है, सही है, ऑसम है, बेस्ट है, वंडरफुल। तो आपका राइट आंसर है ज्ञान। इनके अर्थ का क्या अर्थ है? ज्ञान। आगे बढ़िए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? सारनाथ में, बोधगया में, राजगीर में, हरिद्वार में। बहुत सा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई बता सकते हैं? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो राइट आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मालूम है तो बताइए। एट का राइट ऑप्शन क्या होगा? आप किसको सही चूज कर रहे हैं? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? चलिए फटाक से आंसर करिए क्या सही होगा, रिवीजन कर लीजिए। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की, फटाफट जाइए, नॉर्मल स्पीड तेज कर दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, सुन लेंगे तब भी काम बहुत हो जाएगा, आपका हेल्प तो हो ही जाएगी। चलिए बताइए, तो राइट आंसर बोध गया, ठीक है, बी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत है, कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है? सोन नदी, मोना नदी, फागुन नदी और महानंदा नदी। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान पर प्राप्त हुआ था? मालूम है आपको, बताइए किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस रिवर के साइड में, किस रिवर के किनारे इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर करिए क्या सही है, आपके हिसाब से क्या सही लग रहा है? तो राइट आंसर है फागुन नदी को, ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बरगद का, बोधि का, नीम का, सागौन का। महात्मा बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है या आपको सही लग रहा है, जल्दी से आंसर करिएगा, क्या कहते हैं, क्या सही है, टेंथ का कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करिए, देख के करिए, गलत मत करिए, ज़्यादा गलती मत करिए। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, तो यहाँ पर आप सभी में से जिसने भी बी ऑप्शन बताया, बोधि वृक्ष, उनका सही, बाकी लोगों का गलत है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष का नाम था। पीपल का पेड़ जानते हैं ना आप सब, जो कि काफ़ी पूजा में चर्चित रहता है, तो ये पीपल के वृक्ष को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कहाँ पर? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित? चीन, जापान, बांग्लादेश, अमेरिका। हमारे इंडिया में तो फिलहाल उतना नहीं है, लेकिन दूसरी जगह है तो वो कहाँ पर है बता सकते हैं? मुझे उम्मीद तो है कि बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे और गलत नहीं करेंगे, उम्मीद ये भी है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका एक ही ऑप्शन जो है वो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। तो वो है क्या मालूम है? चीन में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो चीन में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं? बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं वो कहाँ पर? ऋषिकेश में, कर्मभूमि में, दीक्षा भूमि और वृंदावन में। बताइए इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं ज़्यादातर? तो कह सकते हैं राइट आंसर आपके 12th क्वेश्चन का वो है सी, दीक्षा भूमि में, ठीक है। नहीं पता है कोई बात नहीं, सीखेंगे तभी जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, चलिए 13 पे, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? इसका आंसर बताइए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करो तभी आगे बढ़ेंगे। चलो चलो फटाफट लाइक नहीं करते हो आप लोग बिना कहे। महाभाष्य, त्रिपिटक, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? कौन सा आंसर सही होगा? चलिए फटाफट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया है मैंने, बताया है आपको, तो राइट आंसर तो आप गलत नहीं करोगे, आंसर भी करो फटाफट लाइक करो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। तो राइट आंसर जानने का त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक बी ऑप्शन करेक्ट है, आई होप सो, लाइक भी कर दिया होगा, नेक्स्ट सही। अच्छा एक बात मालूम है कि अगर कह सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो वो बौद्ध धर्म है, ठीक है, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दूसरा बड़ा तो धर्म है बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट आइए,
नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बहुत सुना है, तो ये दोनों जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर ज़्यादा किस धर्म की पढ़ाई से संबंधित कार्य होता है बताइए बताइए फटाइए फटाफट। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा का ज़्यादा प्रधान है, ज़्यादा सब कुछ है? तो राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, इनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, राकेश और अशोक, बताइए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आंसर बता सकते हैं गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर एक ही है, वो है सिद्धार्थ। ठीक है, तो ए ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया उन सबका है करेक्ट। हम 15 क्वेश्चन पर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 15 में से 15 अभी तक ला रहे होंगे। आगे बढ़िए, 16वां क्वेश्चन, उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? जो उपदेश देने की घटना है उसको आखिर कहते क्या हैं? तो बता सकते हैं, मैंने पढ़ाया है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। उपदेश देने की जो घटना होती है उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जताया गया या कहा गया है, आप मुझे बता तो सकते हैं, उम्मीद है गलत नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपको मालूम है, सी ऑप्शन करेक्ट है, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़िए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, देवनागरी में। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो इसका जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप सभी को बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि कल मैंने आपको जब जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था कि उसमें था कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो वो प्रकृत भाषा में दिया था। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया था, तो वहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था प्राकृत भाषा में, और महावीर स्वामी ने दिया था, वो चीज़ करेक्ट कर लेना, गलत मत याद करना, वो गवाही मिस्टेक को मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट। तो अच्छा ठीक है, फिर इतने ही क्वेश्चन मैंने आज लिए थे, 17 लिए थे फिलहाल क्वेश्चन, बहुत सही। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, समझ में आई बातें, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? छोटी क्लास हुई क्योंकि 17 क्वेश्चन था, मैं चाहती थी धीरे धीरे करके 17 मिनट में करवाती, बट नहीं फ्रेंड्स, टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी और बहुत आपका भी, इसलिए मैंने कम समय में करवाने की, मैं कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना पसंद करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पे रहेंगे, क्लासेस को करेंगे, बातें भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, इंजॉय भी होगा, हाँ लेकिन पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है, अलग टाइम पे पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, मैथ करो अच्छे से, संस्कृत रिवीजन करो, जो दिक्कत हो वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम पूछो। बाय बाय, टेक केयर।